x के अंदर वैल्यू असाइन की है y में भी एक वैल्यू असाइन की है और z के अंदर एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन असाइन की है कि दो वेरिएबल्स का सम जो है वो हमने z में असाइन किया है हमारे पास जो मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जावर स्क्रिप्ट जो हमें देता है दैट आर प्लस फॉर एडिशन माइनस फॉर सब्ट्रेक्शन स्टार फॉर मल्टीप्लीकेशन स्लैश फॉर डिवीजन और मॉड्यूल्स का साइन है हमारे पास टू फाइंड रिमाइंडर और डबल प्लस का साइन जो है इज यूज फॉर इंक्रीमेंट इनक्रीमेंट बाय वन और इसी तरह माइनस माइनस डबल माइनस का जो साइन है इज यूज फॉर डिक्रीमेंट बाई डिक्रीमेंट बाय वन रिमेम्बर के हमारे पास जो इक्वल का साइन है दट इज यूज एज असाइनमेंट ऑपरेटर कि जो वैल्यू को असाइन करता है किसी भी वेरिएबल के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक uh, जो ऑपरेटर है उनको मर्ज करके भी यूज कर सकते हैं लाइक प्लस इक्वल टू को हमने यहां पर यूज किया है इस एग्जाम्पल के अंदर वेन यू यूज इट लाइक दिस કેમ ને પ્લસ એન ઇક્વલ કો એકસાથ યુઝ કિયા હે તો વોટ ઇટ વિલ डू ઇટ વિલ डू સિમ્પલી કે જો એક્સ કી અમારી પાર્ટિક્યુલર વેરી વેલ્યુ હે ઉસકો ઇન્ક્રીમેન્ટ કરકે ઇન્ક્રીમેન્ટ બાય 5 કરકે સ્ટોર કર લેગા એક્સ ઇ મે અ જાવા સ્ક્રિપ્ટ કે અંદર હમારે પાસ જો સ્ટ્રિંગ હે ઉસકે સાથ ભી હમ પ્લસ કા ઓપરેટર યુઝ કરતે હે ટુ કન્કેટેનેટ ટુ સ્ટ્રિંગ્સ લાઈક ઇન ધિસ એક્ઝામ્પલ યહા પે હમણે दो वेरिएबल्स टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू लिए हैं जिसमें हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग असाइन की हुई है जब हम इन दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स को ऐड करेंगे प्लस का साइन यूज करेंगे तो इट विल बी कॉन्केटिनेटेड वो एक साथ एड नहीं होगा ये क्योंकि यहां पर प्लस जो है वो एज अर्थमेटिक ऑपरेटर की बजाय एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज होगा दिस इज द रिजल्ट सिमिलरली अगर हम प्लस इक्वल का साइन एक साथ यूज करें Uh, किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल्स uh, के साथ तो वो भी हमारे पास अर्थमेटिकली ऑपरेटर uh, के तौर पे नहीं बल्कि कॉन्केटिनेशन ही का ऑपरेटर के तौर पे यूज होगा कि वो उस स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर देगा कॉन्केटिनेट कर देगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो उसके बाद उसमें साइन किया गया है लाइक like यहां पे हमने प्लस इक्वल का साइन यूज किया था दो तो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए रिमेंबर uh, कि हम uh, अगर दो नंबर्स को एड करें प्लस के साइन से तो वो हमें एक अर्थमेटिक वैल्यू ही देता है लेकिन इन केस अगर हम किसी भी नंबर्स को ऐड करें किसी एक स्ट्रिंग में तो वो वहां पर हमें जो रिजल्ट देगा वो एक स्ट्रिंग देगा लाइक इन दिस एग्जांपल अगर हम फाइव प्लस फाइव का यूज करेंगे तो इट विल बी आंसर जो होगा हमारे पास वो टेन होगा लेकिन अगर हम किसी एक को भी डबल कोर्स में या सिंगल कोर्स में दें तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगी तो यहां पर एक्स जो है उसकी वैल्यू अर्थमेटिक वैल्यू है टेन जबकि y और z एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होंगे सो दिस इज द रिजल्ट हाउ इट विल शो कि x की वैल्यू टेन जबकि y की वैल्यू फाइव एंड फाइव यूज हुई है ना के फाइव को एड किया हमने फाइव में और इसी तरह से हेलो और फाइव को भी कॉन्कैटिनेशन उनकी हुई है ना के एडिशन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर एक वेरिएबल लिया है एक्स जिसमें हमने एक स्ट्रिंग पहले मेंशन की है जो कि आई मीन विजुअली एक नंबर है लेकिन क्योंकि हमने इसको एक डबल कोर्स में स्पेसिफाई किया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग और उसके बाद हमने दो अर्थमेटिकोमरिक वैल्यूज I mean, हमने लिए और हमने उसपे अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस का अप्लाई किया है रिमेम्बर के बिकॉज क्योंकि यहां पर पहले एक स्ट्रिंग अप्लाई हो चुकी थी जो कि हमें जो पहला इसका इसमें यहां पर लिटरल था वो एक स्ट्रिंग था तो इसके बाद इसके अंदर कुछ कुछ भी हम ऐड करते जाएंगे तो वो एक स्ट्रिंग ही फॉर्म करेगा ना के एक नोमरिक वैल्यू सो वट वुड बी द रिजल्ट यहां पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो फाइव टू थ्री आना चाहिए ना के फाइव और एडेड टू द वैल्यू ऑफ टू और थ्री दिस इज रिजल्ट के हम इसके हमारे पास अगर एक एक वैल्यू लिटरल को अगर हमने स्ट्रिंग मेंशन किया है तो हमारे पास जितने बाकी उसके बाद आने वाले लेटरल हैं वो भी एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट होंगे इसी तरह हमारे पास जावा के अंदर बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं लेट्स हैव अ क्विक लुक इनटू दिस ये हमारे पास यहां पे डबल इक्वल का साइन जो है वो इक्वालिटी के लिए यूज होता है इसी तरह से ट्रिपल इक्वल जो है वो इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप को कंपेयर करने के लिए यूज होता है इसी तरह एक्सक्लेमेशन इक्वल जो है वो यूज होता है नॉट के साइन के लिए नॉट इक्वल टू के लिए और इसी तरह एक्सक्लेमेशन विद डबल इक्वल यूज होता है नॉट इक्वल वैल्यू एंड नॉट इक्वल टाइप्स के लिए सिमिलर हम ग्रेटर और लेस देन का साइन स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन भी ऑपरेटर भी हम लॉजिकली यूज कर सकते हैं जावर स्क्रिप्ट में थैंक यू वेरी मच दिस इज ऑल फॉर वेरिएबल एंड ऑपरेटर इन जावर स्क्रिप्ट